हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का एडी परिवार में। डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। विद्यार्थियों, जैसे कि हमें पता है, ये वाला सेशन हमारा चार सब्जेक्ट को मैं डील करके चल रहा था, बट आज का सेशन जो है एक तरह से आपको रिलैक्सेशन के लिए और एक तरह से कॉन्फिडेंस बना रहे सभी सब्जेक्ट्स में, हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग के होते हैं, जिसमें कि बीएमसी सबसे मुख्यतम सब्जेक्ट में से आता है, जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है ना। एई की बात करें हम, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की, जेई की बात करें या आपका एस एस सी जेई एग्जाम की बात करें, दूसरा पार्ट कि स्टील का, आरसीसी का स्ट्रक्चर का कुछ पार्ट, ये सारे क्वेश्चन आपके जो हैं इम्पोर्टेंट होते हैं। कुछ क्वेश्चन हम हाईवे के भी करेंगे, ठीक है ना। तो एक तरह से मिक्स प्रैक्टिस आज का होगा, तो फटाफट से जो है शेयर करते रहें क्लास को जनादन करके, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेशन को फटाफट से। चलो जी, गुड मॉर्निंग जी सब लोगों को। टाइप ऑफ द रूफ विच स्लोप इन टू डायरेक्शन विद ब्रेक इन स्लोप ऑन ईच साइड इज नोन एज। ये देखा गया, आप देख रहे हैं आप फिगर के अकॉर्डिंग, आप ध्यान से देखो जरा, तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि जो रूफ है इसमें दो तरह का स्लोप है, एक तो आपका कम है लेस स्टीपर, एक ज़्यादा स्टीपर है, मतलब कि कुछ इस तरह से फिगर बना होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, ऐसा और ये ऐसा है। अब ये वाला जो इस साइड का है ये ज़्यादा क्या है, ये ज़्यादा स्टीपर है, जबकि ये वाला स्लोप देखा जाए ऊपर वाला यहाँ पर, ये ज़्यादा कम स्टीप है, समझ रहे हैं। इसको गैम्ब्रेल रूप बोला जाता है। क्या नाम देगा इसको, गैम्ब्रेल रूप इसको नाम दोगे भाई, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं विद्यार्थी, नेक्स्ट सेशन पर आगे बढ़ते हैं। वर्टिकल फेस ऑफ एन ऑप्टिंग एन ओपनिंग इन द वॉल विच सपोर्ट द डूअर, वर्टिकल फेस ऑफ एन द ओपनिंग इन द वॉल विच सपोर्ट द डूअर। डूअर को सपोर्ट करने के लिए एक वर्टिकल जो फेस होता है या वर्टिकल एक कंपोनेंट होता है, उसकी बात की, डूअर की बात हो रही है, ये तुम्हारा उसकी बात नहीं हो रही है, फ्रेम की बात नहीं हो रही है। दो चीज़ें होती है, फ्रेम अलग होता है, डूअर अलग। पहले तो चौखट डालते हैं फ्रेम और उसके बाद डूअर होता है, तो डूअर के कंपोनेंट अलग होते हैं। तो अब जरा जवाब करेंगे आप, इसको देख के आप जवाब कर सकते हैं, ठीक है ना। बताओ जरा, ये तुम्हारा चौखट मैंने बताया है, चौखट है ये, जैम इसको बोला जाता है, बट यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और है। वर्टिकल फेस ऑफ ओपनिंग ऑफ द वॉल विच सपोर्ट द डियर, वॉल पर बात की गई है। तो डियर स्टूडेंट, इसकी ध्यान से देखिएगा फिगर को, क्या बोला जा रहा है इसको, इसको बोला जाता है जैम, जैम इसको नाम दिया जाता है, तो ध्यान रखना इन चीज़ों को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वर्टिकल वॉल जो आप कहोगे ये आपका होगा जैम, इसको नाम दिया जाएगा भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच इज द मिडिल हॉरिजॉन्टल, विच इज द मिडिल हॉरिजॉन्टल मेंबर, मिडिल हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द शटर वेयर द लॉकिंग अरेंजमेंट इज प्रोवाइडेड, लॉकिंग अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो लॉकिंग अरेंजमेंट कहाँ प्रोवाइड करते हैं आप, उसको क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जरा करते हैं, इस फिगर को देखें जरा ध्यान से, ये दरवाजा जो शटर होता है उसका एग्जांपल है, मतलब कि उसका फिगर आपको दिखाया गया है। आप देख पा रहे हैं कि टॉप रेल है, इंटरमीडिएट रेल है, मुलियंस है, लॉक रेल है, पैनल्स हैं, ठीक है ना, स्टाइल्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, सब कुछ आपको ध्यान से देखना है। इस दरवाजे को जरा ध्यान से पढ़ो, टॉप रेल दरवाजे का जो शटर है उसकी बात, ये तो तुम्हारा चौखट होता है, ये जो देख रहा हूँ मैं, जो लाइन बना रहा हूँ, ये चौखट है, नीचे और ऊपर चौखट का, इसको हेड बोला जाता है, ये हेड होता है चौखट का, और इसको सिल लेवल बोला जाता है नीचे। अब जब हम शटर पर आते हैं, दरवाजे पर आते हैं, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आपका इंटरमीडिएट रेल ये हो गया, टॉप रेल ये हो गया, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन को मिलियंस कहा जाता है, मिलियंस, लॉक रेल जिस पर लॉक अरेंजमेंट रहता है, देन आपका पैनल, ये जो फट्टे हैं ये लकड़ी के, इनको पैनल बोला जाता है, और वर्टिकल जो कंपोनेंट है ये वाले, इनको स्टाइल बोला जाता है, और नीचे वाला ये रेल, इसको बॉटम रेल बोला जाता है, ठीक है। तो अभी आपका क्वेश्चन जो है क्या बोला गया था, जहाँ पर लॉकिंग अरेंजमेंट रखा जाता है, तो ऑब्वियसली इसमें तो ध्यान से आपको पढ़ना ही था, क्या बोला जाता है उसको, लॉक रेल उसको बोला जाता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज इन द डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट, रिजिड पेमेंट के डिजाइन में
रिजिड पेमेंट के डिजाइन में आपका कौन कौन सा मेथड यूज होता है बताओ जरा, CBR मेथड, ग्रुप इंडेक्स मेथड, वेस्टरगार्ड मेथड और मैक्यूलीज मेथड। जब बात बात करते हैं रिजिड पेमेंट की, तो रिजिड पेमेंट में हम क्या करते हैं कि आपका वेस्टरगार्ड एनालिसिस को ही यूज करते हैं। देखो CBR मेथड, ग्रुप इंडेक्स मेथड और जब बात करते हैं मैक्यूलीज मेथड, ये तीनों आपके कौन से मेथड हैं, ये तीनों आपके फ्लेक्सिबल रोड को डिजाइन करने के मेथड हैं। तो आपका जो है वेस्टरगार्ड एनालिसिस हो जाएगा खत्म। CBR मेथड और CBR टेस्ट, द वैल्यू ऑफ CBR इज कैलकुलेटेड एट, बताओ इन अ CBR टेस्ट द वैल्यू ऑफ CBR इज कैलकुलेटेड। CBR टेस्ट की बात करें तो हमारा दो तरह के से हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, 2.5 mm पर और 5 mm पर, दोनों पे करते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड लोड का वैल्यू होगा, अगर आपको 2.5 mm पर स्टैंडर्ड लोड का वैल्यू पूछा जाए तो ये होता है आपका कितना जरा बताओ, 1370 किलोग्राम। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आपका 5 mm पेनिट्रेशन पर लोड का वैल्यू पूछा जाए तो ये होता है 2055 किलोग्राम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्ट्रेस इन द सीलिंग फैन। सीलिंग फैन आप जानते हैं पंखा, तो वहां पर कौन तरह का स्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा। ये सीलिंग फैन आप बखूबी से जानते हैं, ये छत है, छत पर ये आपका एक तरह से रिजिड हो रखा है, पंखा ऊपर चलता है ये ऐसा, ठीक है ना, ये तुम्हारा सीलिंग फैन है इस तरह से। तो यहाँ पर इस रॉड में जो फीलिंग फैन की रॉड है इसमें टेंसाइल स्ट्रेस ही दिख रहा है, देखो ना इसमें लोड आएगा टेंसाइल खींचेगा ही। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। चलो फटाफट से क्लास को शेयर करें भाई सभी लोग। व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी GPA फॉर द कॉन्क्रीट ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 25 MPa। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है आपको, E=, तो आप जानते ही हैं ये होता है 5000 अंडर रूट ऑफ FCK, और FCK का मतलब आप समझ गई कि जब आप 25 MPa की बात करें तो यहाँ पर आप 25 रखोगे और इनटू आप मल्टीप्लाई करोगे 5000 से, तो 5×5 करो लेकिन MPa में ही, ठीक है ना, ध्यान रखना इलास्टिसिटी आपको GPA में निकालना है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 5, तो ये हो जाएगा इसका 5×5, ये 25 में आ जाएगा, ठीक है ना, GPA में निकालना है उसको, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपको कम्प्लीटली सही हो जाएगा। Which one of the following is true of the statically determined beam? Statically determined beam की बात हुई है विद्यार्थियों, तो जरा बताओ statically determined beam के केस में क्या करोगे। One end is fixed and other end is simply supported, पहला चीज। Both end are fixed, the beam is overhang over the two support and the beam is supported on three support, बताओ कौन सा होगा। देखिएगा ये तो तुम्हारा कहीं से भी स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर नहीं हो रहा है, क्योंकि एक एंड अगर आपका फिक्स्ड हुआ और दूसरा जो है सिंपल सपोर्ट हुआ, मतलब कि सिंपल सपोर्ट मतलब कोई सपोर्ट, तो ये रिएक्शन कितनी हो गई, 3 यहाँ पर, एक रिएक्शन यहाँ पर, मान लो आप 4, मतलब कि एक यहाँ पर मान लो, तो 4 रिएक्शन हो गई, 4 माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ये तब भी आपका 1 मिला है। अननोन माइनस नोन, 4 तो एक्सटर्नल रिएक्शन आ गई जो अननोन है, और 3 आपकी जो है एक्सटर्नल जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, समीशन ऑफ FX, समीशन ऑफ FY एंड एम मोमेंट, 3 इक्वेशन, ठीक। ये भी आपका 0 नहीं आया, जब DS 0 आता है ना तब जो के बोलते हैं आप स्टैटिकली डिटरमिनेशन है। बोथ एंड आर फिक्स, दोनों एंड पर अगर आप फिक्स कर दें तो लो बनाओ फिक्स कर दो यहाँ पर, तो फिक्स केस में आपका ये 3 रिएक्शन यहाँ पर 3, तो ये भी क्या हो रहा है अननोन माइनस नोन, ये भी 3 हो गया, ये भी 0 नहीं हो रहा है। तीसरा केस हो गया आपका, चौथा केस को मैं पहले डील करता हूँ, द बीम इज सपोर्टेड ऑन द 3 सपोर्ट। अब ये आपका 3 सपोर्ट होगा, तो मतलब कि कंटिन्यूस बीम की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है कंटिन्यूस बीम का। तो कंटिन्यूस बीम में डियर स्टूडेंट ये बीम कुछ ऐसा रहा होगा, एक जगह तुम्हारा ये सपोर्ट रहना पड़ेगा, दूसरा जगह आपका रोलर लगा दो माना, तीसरा जगह आप रोलर लगा दो, 3 सपोर्ट है तो तीसरा जगह यहाँ पर लगा दो लोग, यहाँ पर लगा दो आप कोई दूसरा सपोर्ट, तो आप कोई भी सपोर्ट लगा दो, रोलर भी क्यों ना लगाएं आप, एक जगह तो आपको हिंज लगाना ही पड़ेगा, तब भी आपका ये मोर देन 3 हो रहा है। देखो ना 2 रिएक्शन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो 5 - 3 करोगे तो तब भी आपका 0 नहीं आ रहा। तो यहाँ पर साफ साफ तरीके से आपको दिख गया है, देखना आप ध्यान से, अब साफ साफ तरीके से आपको दिख गया है कि ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत से विद्यार्थियों ने गलत कर दिया है, अजीत यादव सही। कैसे, क्योंकि ओवरहैंग का मतलब क्या होता है, वो दो साइड हो, टू द बीम ओवरहैंग ओवर 2 सपोर्ट, ठीक है ना, दोनों सपोर्ट पर ओवरहैंग बोला, मतलब इधर भी ओवरहैंग है
और इधर भी ओवरहैंग है, तो ध्यान रखना ओवरहैंग बीम में हमेशा ये तो दो साइड ओवरहैंग है, अगर आपका एक साइड ओवरहैंग भी होता ना, जैसे ये मैं बना के दिखा रहा हूँ, ऐसा ऐसा भी होता ना, तब भी आपका जो है ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता। स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए आपको देखो ना, यहाँ पर दो रिएक्शन हो गई, यहाँ पर एक रिएक्शन हो गई, अगेन यहाँ पर दो रिएक्शन, यहाँ पर एक रिएक्शन, तो दो और एक तीन, तीन माइनस ये तो अननोन हो गए, अननोन कौन सा होता है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो जीरो हो गया क्या। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन जो है सी ऑप्शन जो है ऑप्शन करेक्ट था। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट इक्वेशन टू फॉर स्टैटिकली सेटिस्फाइड फॉर द स्टैटिक इक्विलिब्रियम इन द स्पेस स्ट्रक्चर, थ्री डी स्ट्रक्चर की बात हुई है, तो थ्री डी स्ट्रक्चर के लिए आपको याद ही हो गया, अब छह रिएक्शन आपकी होनी चाहिए। चलो, वन स्टॉक इज इक्वल टू, ये तुम्हारा फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, मैंने कहा ना आज मिक्स प्रैक्टिस हम करेंगे। वन स्टॉक इज इक्वल टू, वन स्टॉक की बात हो रही है, जल्दी से बताओ वन स्टॉक किसके बराबर होता है। वन स्टॉक इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर ये हो जाता है आपका, देखो एक स्टॉक की बात हो रही है, जल्दी से जवाब करें। हाँ ठीक है, ठीक बढ़िया। सी ऑप्शन, वेरी गुड। एक्चुअली में वन स्टॉक की बात किया जाए तो ये होता है एक सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के बराबर होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज कर दो तो 10^-4 ना होगा, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब इतना बेसिक तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द टर्बुलेंट फ्लो थ्रू द सर्कुलर पाइप, थ्रू द सर्कुलर पाइप, जरा करो जी, कितना हो जाएगा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए डियर स्टूडेंट इसका जो वेलोसिटी प्रोफाइल होता है उसको हम लॉगरिथमिक लेके लॉगरिथमिक बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, ठीक है ना, ओके आगे चलते हैं। शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन विच हैज द लार्जेस्ट शेप फैक्टर, लार्जेस्ट शेप फैक्टर, तो शेप फैक्टर में सबसे ज्यादा जो शेप फैक्टर होता है कौन सा, किस सेक्शन का होता है ये बोला गया है, तो सबसे ज्यादा आप खुद बताओ, डायमंड का होता है आई सेक्शन का, थोड़ा सा याद दिला दूं आपको, तो रेक्टेंगल का तो भाई 1.5 होता है, 1.5, आई सेक्शन का लेस देन 1.5 होता है, 1.5 कॉन्स्टेंट नहीं होता है बट 1.5 से नीचे रहता है। अच्छा, सॉलिड सर्कुलर के लिए अगर सर्कल की बात करें तो 1.7 के करीब आता है, 1.69 समथिंग आता है, बट 1.7 हम मान के चलते हैं। तो डायमंड सेक्शन के लिए सबसे ज्यादा होता है जो कि होता है 2, तो आप ऑप्शन क्या करोगे, सी ऑप्शन सब लोगों का सही होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड शुगर है, सीवेज स्लज है, ब्लड है और एयर है, तो इसका जवाब करो फटाफट से करो, बोलो। कॉन्सेंट्रेटेड शुगर, शुगर सॉल्यूशन, देखिएगा कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन का मतलब है ये तुम्हारा किसका एग्जाम्पल है, ये डायलेटेंट फ्लूइड का ही है। सीवेज सलज की बात किया जाए तो ये बिंगम प्लास्टिक का है, बहुत बढ़िया, आइडियल प्लास्टिक भी बोला जाता है। ब्लड का मतलब है खून, ब्लड, ये तुम्हारा स्यूडो प्लास्टिक का फ्लूइड का एग्जाम्पल है। और एयर मतलब न्यूटोनियन फ्लूइड है, एयर, वाटर, गैसोलीन, ये सब, तो सब कुछ बढ़िया हो गया, ये 1, 2, 3, 4 आपका आ जाएगा आंसर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज द नॉन न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन का मतलब है एक तो आपका ह्यूमन ब्लड है नॉन न्यूटोनियन में, और एक आपका टूथपेस्ट है, और तो तुम्हारे सब न्यूटोनियन, जैसे कैरोसिन ऑयल है ये भी न्यूटोनियन है, डीजल ऑयल है ये भी न्यूटोनियन है, और वाटर ये तो न्यूटोनियन आप जानते ही हैं। तो 3 और 4 जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही हो जाएगा, बी, क्वेश्चन नंबर 16 बी ऑप्शन। फटाफट से जो है ये क्वेश्चन आज के जो है मिक्स प्रैक्टिस इसलिए दिया है कि रैपिड फायर टेस्ट आपको काफ़ी कुछ सभी सब्जेक्ट का थोड़ा सा नॉलेज रहता रहे साथ में। विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड से क्वेश्चन है तो आपका फ्लूइड के केस में आपको पता होना चाहिए कि जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, गैस के केस में पूछ रहा है ठीक है ना, और लिक्विड दोनों के बेस पर पूछ रहा है अगर आप ऑप्शन देखें तो लिक्विड के केस में तो भाई साहब आपका इंक्रीज होता है,
बट गैस के केस में, सॉरी गैस के केस में तो इंक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी, बट लिक्विड के केस में डिक्रीज होता है। तो डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही। सी कैसे जी, सी कैसे होगा? गैस के केस में इंक्रीज होता है जबकि लिक्विड के केस में डिक्रीज होता है। चलो, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस फिल्म टू एक्सर्ट अ टेंशन टेंशन सो दैट इवन स्मॉल स्मॉल लोड कैन बी सपोर्टेड ओवर इट इज नोन एज, दिस इज द वर्ड, दिस इज सरफेस टेंशन, इसको सरफेस टेंशन बोला जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस फिल्म टू एक्सर्ट अ टेंशन, ठीक है ना। कोई भी लिक्विड सरफेस, माना सपोज पानी का बर्तन है या कोई तालाब है, इसके नीचे ये जो ये सरफेस, इसको बोला जाता है लिक्विड सरफेस या लिक्विड सरफेस फिल्म। ऊपर एयर होगा और नीचे आपका वाटर है माना, ठीक है ना। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे में कोहेशन लगा रहे होंगे, तो इसके कारण एक छोटा सा मेम्ब्रेन, एक पतला मेम्ब्रेन, पतली परत बन जाती है जिसमें किसी सरफेस टेंशन का ही कॉज होता है। तो आप बोलोगे सर सरफेस टेंशन। चलो नेक्स्ट करते हैं, डायमेंशन ऑफ द मास डेंसिटी। मास डेंसिटी आप ऑब्वियसली जानते हैं कि मास डेंसिटी दिस इज इक्वल टू मास अपॉन पर मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो मास का मतलब हो गया आपका m का पावर 1, वॉल्यूम का पावर आप लिखोगे l का पावर -3 और t का पावर तो 0 हो जाएगा। तो आपका b ऑप्शन जो है कंप्लीटली सही हो जाना चाहिए। कौन सा ऑप्शन? ये वाला है ना। चलो इसका जवाब करेंगे आप, विच इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द मर्करी और ग्लास। ग्लास और मर्करी के बीच में जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, क्वेश्चन नंबर 20, ये हो जाएगा आपका 130 डिग्री। एयर और जब वाटर और कांच के बारे में बोला जाए तो ये 0 डिग्री होता है, अगर कैरोसिन ऑयल के बारे में पूछा जाए तो 26 डिग्री, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीयर थिनिंग फ्लूड। एक होता है सीयर थिनिंग फ्लूड और एक होता है सीयर थिकनिंग फ्लूड, जो मोटा है थोड़ा सा। तो थिनिंग का मतलब थोड़ा पतला है, जैसे आप देखें तो यहाँ पर आपका स्यूडो प्लास्टिक इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। जैसे आपने देखा होगा ब्लड हो गया खून, ठीक है ना, ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, ये पतले होते हैं ना फ्लूड, तो ये सीयर थिनिंग फ्लूड इनको बोला जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 21 में सी ऑप्शन। क्या करोगे आप 21 में सी ऑप्शन करोगे, बहुत बढ़िया। क्लास को सभी लोग भाई, सभी विद्यार्थी जरा शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट आपका सीयर थिकनिंग फ्लूड, सीयर थिकनिंग फ्लूड। बताओ जरा, बिंगम प्लास्टिक, थिक्सोट्रॉपिक, सूडो प्लास्टिक। देखिएगा यहाँ पर डायलेटेंट फ्लूड जो है इसको बोला जाता है आपका सीयर थिकनिंग फ्लूड, मोटा, ठीक है ना, थोड़ा सा ज्यादा विस्कोसिटी इसका ज्यादा रहता है। चलो इधर दिखाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायमेंशन ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी आप जानते हैं कि यूनिट वेट ऑफ द एनी फ्लूड अपॉन यूनिट वेट ऑफ द वाटर, यूनिट वेट ऑफ द एनी फ्लूड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो यूनिट वेट ऑफ फ्लूड का मतलब क्या है, सब्सटेंस का मतलब फ्लूड है, तो दोनों जगह आपके क्या है, तो सेम यूनिट है, तो सेम यूनिट का मतलब आपका क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, यूनिट लेस हो जाएगा ये, तो एम जीरो एल जीरो डी जीरो, बस खत्म। तो आपका बी ऑप्शन होना चाहिए था, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन था। बल्क मॉडुलस का यूनिट आपको ध्यान रखना है, के इज इक्वल टू होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, मतलब कि इस तरह से लिखो आप, अपॉन दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये होता है आपका। चलो तो आप बोलेंगे कि जो स्ट्रेन होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब कि दोनों चीजें आपकी क्या हो गई, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब में। ये तो यूनिट लेस हो गया, इसको तो हटा दो, डायमेंशनल फॉर्मूला बना रहा हूँ, मतलब कि के का यूनिट डायरेक्टली आपका स्ट्रेस पर डिपेंड करेगा और स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट होता है। फोर्स की यूनिट हम बात करें डायमेंशनल फॉर्मूले का, एमएलटी -2 होता है। एरिया की बात करें तो एल का पावर 2 होगा, तो इसको कैंसिल आउट करें तो एम एल -1 टी -2। तो कितने लोगों ने सही किया, एम एल -1 मतलब कि एम 1 एल -1 टी -2, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है तक। चलो आगे बढ़ते हैं, डायमीटर ऑफ द पीजोमीटर ट्यूब। पीजोमीटर ट्यूब की बात किया जाए तो यहाँ पर आपका कितने mm से कम नहीं होना चाहिए, सो नॉट लेस देन, तो 12 mm से भी कम होना ही नहीं चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली हो जाएगा, ठीक है ना। जरा बताओ, एटमोस्फेरिक प्रेशर वेरीज विद दी
एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना वेदरिंग इफेक्ट पर भी डिपेंड करता है कि वेदर कंडीशन क्या है उस एरिया का, टेम्परेचर पे भी थोड़ा सा डिपेंड करेगा, सबसे मेन जो है एल्टीट्यूड पर डिपेंड करेगा। बट हमारा यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हमें अभी आपको करना पड़ेगा ऑल, क्या करना पड़ेगा ऑल, मतलब कि डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे क्या चीज़ों को, डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करें। कैलकुलेट द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फॉर द वाटर मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एट डेप्थ। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पी इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच होता है, आप बखूबी जानते हैं। रो का वैल्यू आप 1000 बोलते हो, जी का वैल्यू आप 9.81 बोलते हो, और एच का वैल्यू इसने 5 मीटर दिया है। ठीक है ना, कितना दिया है, हाँ तो करो जरा इसको बढ़िया। अभी 1000 तुम्हारा यूनिट का खेल है, इसको उसमें कर देना किलो न्यूटन में, ठीक है ना, तो 1 रख देना यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 49 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। थ्री बीकर्स 1, 2 और 3, तीन बीकर है 1, 2 और 3 ऑफ डिफरेंट शेप आर कैप्ड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल एंड फिल्ड विद वाटर अप टू द हाइट एच। इफ द प्रेशर एट द बेस ऑफ द बीकर इज P1, P2 एंड P3 रिस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द रिलेशन कनेक्टिंग द थ्री। देखो यहाँ पर आपको सेम लेवल है, सेम लेवल पर रहें तो आपका प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, बताओ, खुद बताओ आप। प्रेशर का वैल्यू हो जाएगा सर P1 जो होगा उतना ही आपका P2 होगा और उतना ही हमारा P3 होगा। कहने का मतलब समझ गए आप, समझ गए ना, P1, P2 और P3 दोनों सेम होंगे, ठीक है, तीनों में सेम होगा प्रेशर, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्योंकि आप जानते हो ना इतना चीज़ें कि प्रेशर इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच होता है, तो आपके क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा हो, एरिया पर, डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, तो डेंसिटी आपका वाटर ही है तीनों में, और एच भी आपका सेम एलिवेशन पर है, तो आपका प्रेशर भी सेम होगा, पास कर लो। पीजोमीटर हेड इज द सम ऑफ द, पीजोमीटर हेड पी बाय रो जी प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, दिस इज द पीजोमीट्रिक हेड, दिस इज द पीजोमीट्रिक हेड, ध्यान रखना इसको। तो क्या हो जाएगा पीजोमेट्रिक हेड में, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, दिस इज द पीजोमेट्रिक हेड, समीशन ऑफ पीजोमेट्रिक प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, दिस इज नोन एज व्हाट, पीजोमेट्रिक हेड। ओके चलो, प्रेशर यूज्ड टू मेजर, सॉरी पीजोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, पीजोमीटर को हम यूज करते हैं क्यों, क्यों करते हैं बताओ, पीजोमीटर इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर इन पाइप चैनल को करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को करता है या वेरी लो प्रेशर, डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट। देखिएगा जब हम पीजोमीटर ट्यूब की बात करते हैं तो पीजोमीटर जो होता है काफी कम प्रेशर के लिए होता है, वेरी लो प्रेशर्स के लिए हम यूज करते हैं। एसएससी जेई 2010 का क्वेश्चन था, वेरी लो प्रेशर के लिए। वन टॉर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू वन टॉर प्रेशर, वन टॉर ये प्रेशर मेजरमेंट का यूनिट है, तो वन टॉर दिस इज इक्वल टू व्हाट, वन मर्करी ऑफ 1 mm ऑफ एच जी, 1 mm ऑफ एच जी, ये होता है आपका वन टॉर प्रेशर की बात किया जाए, दिस इज 1 mm ऑफ दी एच जी, ये ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच, तो बस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, दो एक कोई कंटेनर है, कंटेनर का ए पॉइंट ये रहा होगा और बी पॉइंट ये रहा होगा, जो कि आपका जीरो पॉइंट, ये तुम्हारा जो ए पॉइंट है 0.5 मीटर पर है ए पॉइंट, बी पॉइंट जो है आपका इस कंटेनर के नीचे है 2 मीटर पर, तो आपको पता है कि जितना जितना डेप्थ बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपका प्रेशर भी बढ़ता रहेगा। देखो ना, डेप्थ ऑफ इमर्सन बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ता रहेगा, तो पी ए अपॉन पी बी आपको करना है, तो आपका सेम कंटेनर पर है, सेम वाटर है, तो आप देख पा रहे हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, क्योंकि आपका रो जी तो कॉन्स्टेंट ही हो गया, तो पी ए बाई पी बी दैट इज इक्वल टू एच ए अपॉन एच बी, केवल यही दो चीजें वेरी कर रहा है, एच ए अपॉन एच बी, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो एच ए का मतलब हो गया जी 0.5 और एच बी का मतलब हो गया 2, तो ये ऊपर आप 50 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर नीचे करो, ये मिलेगा आपको 1/20 है ना, सॉरी 1/4, तो आपका सी ऑप्शन किसी ने किया था क्या, तो सी ऑप्शन जो है कंप्लीटली सही हो जाएगा। मर्करी इज सुटेबल फ्लूड फॉर द बैरोमीटर बिकॉज ऑफ दी, मर्करी को अच्छा सुटेबल माना जाता है बैरोमीटर के लिए, क्यों मानते होंगे,
एसएससी जेई जो है 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, जरा बताओ। में सी कर रहे हैं, हैज वेरी लो प्रेशर एट द रूम टेम्परेचर, वेरी गुड, ठीक है ना। प्रेशर इसको जो बताओ 25, द प्रेशर ऑफ द 25 मीटर ऑफ हेड ऑफ द वाटर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। रो हो जाएगा आपका 25, एच का वैल्यू हो गया 25, रो का वैल्यू इसमें लिखो आप, कितना लिखोगे आप बताओ, है 1 इंटू आप रो का वैल्यू आप जानते हैं 1 हो गया, जी का वैल्यू 9.81, ये आपका लगभग लगभग 245 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, फ्लोटिंग बॉडी विद इट्स सेंट्रल और ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट जी, सेंटर ऑफ बायोसी बी एंड मेटा सेंटर एट एम, हमेशा ध्यान रखिएगा दो कंडीशन है, अगर रोटेशन हो रहा है बॉडी में तो आपका मेटा सेंटर पॉइंट दिखेगा, अगर आपका लीनियरली उसमें वो कर रहा है फ्लोट कर रहा है तो उसमें आपका बायंसी पॉइंट पर बात करेंगे हम। तो आप ध्यान रखिएगा जब भी आपको बोला जाए कि बी ऊपर है और जी नीचे है तो ये आपकी स्टेबल कंडीशन है, जब रोटेशन आया हो तो जब आपका मेटा सेंटर पॉइंट ऊपर है और जी नीचे है तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा स्टेबल कंडीशन की कहानी बताए। तो आप बोलोगे सर बी लाइज, ये तो गलत हो रहा है, ये दोनों नहीं मिलेंगे, जी लाइज अबव बी, तो ये तो अनस्टेबल की कंडीशन हो गई, बी लाइज ये तो है भी नहीं बिल्कुल भी। अब आपको डी ऑप्शन पढ़ना है, डी स्टेटमेंट, जी लाइज बिलो एम, तो ये वाला ऑप्शन हो गया है ना, तो ये स्टेबल कंडीशन की, मतलब कि डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही हो गया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट हैपन्स टू आवर बॉडी व्हेन इट डेंसिटी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। जिस फ्लूड में बॉडी को रखा जा रहा है उस फ्लूड का डेंसिटी कम है और बॉडी का डेंसिटी ज़्यादा है तो आपका क्या देखने को मिलेगा, ये बॉडी ये डूब जाएगा, इट विल बी सिंक, आपको ये बोला गया है। तो आप क्वेश्चन नंबर 36 में क्या जवाब करोगे, इट विल बी सिंक। ओके आगे बढ़ें, क्या ये कर दिया आपने, ये भी कर दिया आपने, सॉरी ये वाला, विच मेथड इज यूज एक्सक्लूसिवली इन फ्लूड मैकेनिक्स, फ्लूड मैकेनिक्स में हम कौन सा अप्रोच को कौन सा मेथड को यूज करते हैं। देखिएगा ये दो मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक यूलरन मेथड और एक लैग्रैन्जियन मेथड, इन दोनों के बारे में बात होती है पूरे फ्लूड काइनेमेटिक्स में, डायनेमिक्स में, फ्लूड मैकेनिक्स में, दोनों को थोड़ा सा बेसिक दे रहा हूँ। क्या है लैग्रैन्जियन मेथड की बात किया जाए तो यहाँ पर एक सिंगल पार्टिकल को ट्रेसिंग करके उस पर कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा के उस पर हम एनालिसिस करते थे, मतलब कि क्या करते हैं ट्रेसिंग ऑफ द सिंगल पार्टिकल। अब ये बहुत बड़ा नामुमकिन सा लग रहा है और अनप्रैक्टिकल चीज लग रही है कि एक सिंगल पार्टिकल फ्लूड मोशन कर रहा है तो किसी सिंगल पार्टिकल को ट्रेसिंग करना बहुत टफ बात है, तो इसको हम कहीं से यूज नहीं करते हैं, बाद में ये मेथड ऑब्सोलेट हो चुका था। बट अभी हम बात करें जब यूलरन मेथड की, तो यूलरन मेथड में क्या हुआ, इन्होंने कंट्रोल वॉल्यूम नाम का एक चीज दिया कि पर्टिकुलर किसी चैनल को या किसी फ्लो को, पाइप को कंट्रोल वॉल्यूम के बेस पर, तो मास इनफ्लो और मास आउटफ्लो पर रिलेशन लगा के हमें कैलकुलेशन करना इन्होंने सिखाया, ठीक है ना। तो यूलरन मेथड का ही जो है प्रैक्टिकल लगा हमको और इससे हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, सब कुछ बढ़िया से हुआ, तो बी ऑप्शन आपका बढ़िया होगा, यूलरन अप्रोच। लेमिनार फ्लो हमका बोला जाता है कि किस वेलोसिटी में देखने को मिलेगा, लेमिनार फ्लो अकर्स एट दी लो वेलोसिटी, काफ़ी कम वेलोसिटी रहेगा जब, तो एक लेयर का फ्लूड मोशन कर रहा है, कोई भी लिक्विड मोशन कर रहा है, तो एक लेयर का पार्टिकल दूसरे लेयर में मोमेंटम ट्रांसफर नहीं करेगा, मतलब कि एक लेयर का जब बहुत कम विस्कोसिटी कम वेलोसिटी होगी, काफ़ी कम गति होगी फ्लूड में, काफ़ी कम वेलोसिटी, तो अपना एक लेयर में आराम से चलता रहेगा फ्लूड, एक लेयर टू एक लेयर, लेकिन बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होती है तो एक लेयर का दूसरे में मोमेंटम ट्रांसफर होता है, मास इनटू वेलोसिटी ये होता है मोमेंटम, तो आपका बोलेगा लो वेलोसिटी। ओके नेक्स्ट चलते हैं, स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड थ्रू अ टैपरिंग पाइप एट अ कॉन्स्टेंट रेट इज द, बताओ जरा
फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ टैपरिंग पाइप। टैपरिंग समझते हैं आप, टैपरिंग पाइप का मतलब कुछ ऐसा होता है भाई, ठीक है ना, एक सेकेंड ना, ऐसा ये टैपरिंग पाइप, इधर कुछ अलग क्रॉस सेक्शन, इधर कुछ अलग सेक्शन, ये तो तुम्हारा यूनिफॉर्म हो गया। यूनिफॉर्म का मतलब तो आपको स्टडी और यूनिफॉर्म ही दिखेगा ये वाला, बट यहाँ पर दिखाना आपको स्टडी तो होगा खैर, बट ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है ना, स्टडी और नॉन यूनिफॉर्म होगा। ये मैंने कई बार आपको इतने बारीकी से एक्सप्लेनेशन दे रखा है इसके बारे में कि मैं नहीं समझता कभी भूलोगे आप। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेविंग बिटवीन एज पर दी IS 73/1992 तो बताओ जरा क्या जवाब करोगे यहाँ पर, 1.02 से लेकर लगभग, एक्चुअली में जब बात करते हैं बिटमिन का तो 0.97 से और 1.02 ये रहता है, 0.97 से 1.02 तक रहता है, क्या जवाब करोगे आप? ये हो जाएगा सर सी ऑप्शन, ठीक है ना, ये गेट 2008 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ें, फॉर हाउ लॉन्ग इज द नीडल अलाउड टू पेनेट्रेट इन द पेनेट्रेशन टेस्ट। आपको याद होगा जब हम पेनेट्रेशन टेस्ट करते हैं बिटमिन पे, तो यहाँ पर एक लोड, ये तुम्हारा बिटमिन है, माना सपोज दैट बिटमिन पर एक लोड लगाया जाता है फ्रीली, 100 ग्राम का लोड होता है, और एक ग्राम 100 ग्राम का लोड पेनेट्रेट करने के लिए छोड़ दिया जाता है इस नीडल के माध्यम से। तो अगर आपका ये बिटमिन हार्ड होगा, अगर ये हार्ड होगा तो ये कम पेनेट्रेट होगा, अगर सॉफ्ट होगा तो ज़्यादा पेनेट्रेट होगा, उसी के बेस पर हम देखते हैं। जैसे माना 3 से 4 mm का अगर आपका पेनेट्रेट देखने को मिलता तो आप उस ग्रेड को बोल देते हो 30/40, ग्रेड का नाम क्या होता तो 30/40, इस तरह से ग्रेड का डिफाइन हम करते हैं। तो यहाँ पर वो जो टाइम बोल रहा है कि इसको पेनेट्रेट करने के लिए छोड़ा जो जाता है इस लोड को फ्रीली, इस बिटमिन में जब हम टेस्ट करते हैं तो 5 सेकेंड का टाइम रहता है, कितने सेकेंड का, 5 सेकेंड का टाइम रहता है, मतलब कि कितना रहेगा वो 5 सेकेंड, नॉट अ 5 मिनट, ध्यान रखना इसको, टिक 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 करके बस याद रखोगे। चलो जी ये करते हैं बात, फ्रॉम वेयर द पेविंग बिटमिन ग्रेड A35 इज ऑप्टेंड। A35 ऑप्टेंड किया जाता है कहाँ से, A35 नाम तो सुना होगा जी, है नहीं सुना तो सुन लो जरा, सुना नहीं सुना, वेयर फ्रॉम वेयर इज पेविंग बिटमिन इज A35। देखिएगा ए जो आपको इंडिकेट करता है, ये ए वर्ड ये आसाम पेट्रोलियम को इंडिकेट करता है, मतलब कि ये जो बिटमिन आया होगा, आपको पता है कि बिटमिन वैसे भी आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो आसाम पेट्रोलियम से ये बिटमिन बना गया होगा। अगर आप देखें, अगर इस ऑप्शन में, इस स्टेटमेंट में, नॉट में, ऑल द बिटमिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द आसाम पेट्रोलियम आर डिनोटेड बाय लेटर ए, बाय लेटर ए, एंड दियर ग्रेड इज डिनोटेड बाय न्यूमरल्स लाइक 25, A25, A35, A50, 45, 65, 90 एंड 200, ये सब आपके आसाम पेट्रोलियम से हैं। जब बात करें इसके अलावा, बोला गया बिटमिन फ्रॉम अदर सोर्सेज डिनोटेड बाय S35, S45, S65 एंड S90। तो दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, जब आपका A लिखा हो तो आसाम, और उसके अलावा S लिखा हो तो आपका अदर सोर्स है, तो भी आपका ऑप्शन हो जाएगा जी सी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, What is the standard load applied to the sample when the needle is immersed? आसाम में भी पेट्रोल मिलता है इसलिए, बिल्कुल। What is the standard load applied to the sample when the needle is immersed in the petroleum? अभी मैंने आपको जस्ट पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या बताया था, इतनी लंबी कहानी इसमें बताई थी क्या, इस क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था कि बिटमिन में वो इमर्स किया जाता है और वो लोड कितने का होता है, कितने सेकंड के लिए रखा जाता है, तो सब कहानी बताई थी। इसका जवाब तो आपको तुरंत आना चाहिए, तो बताओ जरा इसका जवाब, बोलो जरा फटाफट से। बोला गया था कि वो जो लोड आता है स्टैंडर्ड लोड, जो आपका बिटमिन के ग्रेड को डिफाइन करने के लिए वो रखा जाता है, कि कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है, तो कितने का होता है जरा बताओ, ये बोलोगे आप सर ये होता है आपका 100 ग्राम, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इफ जी इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड म्यू इज द पॉइजन रेशियो फॉर द मटेरियल, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द जी। जी का मतलब यहां पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से है, ठीक है ना,
बस हो गया काम खत्म। आपको एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, ई इज इक्वल टू टू जी वन प्लस म्यू, वन प्लस म्यू ये होता है रिलेशन। इसके बेस पर अब आपको निकालना है कि ई और जी में, तो देखो ना साफ साफ दिख रहा है, देखो सी ऑप्शन है ना। तो चलो ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे हम। तो क्वेश्चन 47, हम 50 के करीब पहुंचने वाले हैं आज, तो हम 100 पूरा करके रखेंगे भाई, 100 क्वेश्चन तो पूरा करेंगे करेंगे। पहले तो 47 हो गया हमारे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, देखो करेक्ट कौन सा है। तो आपको पता है दो चीजें हमने बताई आपको कई बार कि डी वी बाई डी एक्स होता है आपका शियर फोर्स, और डीएम बाई डी सॉरी डी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है लोड, और डीएम बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है शियर फोर्स। अगर आप पहला ही स्टेटमेंट पढ़े तो वही आपका करेक्ट हो रहा है। देखो शियर फोर्स इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ बेंडिंग मोमेंट, मतलब कि शियर फोर्स दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ बेंडिंग मोमेंट। हो गया काम खत्म है ना, बन गया आपका ऑप्शन नंबर ए आपका। इसका जवाब करो जरा, कपल एम इज अप्लाइड एट सी ऑन द सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी, व्हाट इज द मैक्सिमम शियर फोर्स ऑन द बीम। तो यहां पर आपका शियर फोर्स निकालना है, तो शियर फोर्स क्या होगा विद्यार्थियों, शियर फोर्स पूछा गया है मैक्सिमम शियर फोर्स फॉर द बीम। बोलो जरा क्या होगा शियर फोर्स। गुड मॉर्निंग जी, निकाल सकते हैं ना आप, क्योंकि रिएक्शन आपको निकालना आता ही है ना, रिएक्शन निकालना आपको आता ही है। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो निकाल के दिखाओ जरा मुझे, कितने लोग निकाल के दिखाओगे। बी ऑप्शन कर रहे हैं हम, बी तो कहीं से नहीं है यहाँ पर। अगर मैं आपसे बोलूँ मान लेते हैं कि एक रिएक्शन यहाँ पर आ रहा है आर ए, और यहाँ पर मान लेते हैं आर बी, तो आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू कितना जीरो, क्योंकि मतलब कोई फोर्स तो है नहीं, तो आर ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आर बी। ये तो आपने एक चीज़ यहाँ से सीख लिया। और अगर आप समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट ए लगाते हैं, समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू जीरो लगाते हैं, तो आप खुद बोलो, आप बोलोगे सर हमको करना चाहिए आर बी इंटू कितना डिस्टेंस, ए के अबाउट कर रहे हैं आर बी इंटू थ्री है कि नहीं, ये आपका एंटी क्लॉक वाइज है, माइनस का प्लस का अगेन आपका एक एंटी क्लॉक वाइज और है जो कि आपका एम है, और इज इक्वल टू जीरो है। समझ गए ना सब लोग, भाई साहब आपका एक आर बी है इंटू दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तीन है, और एक आपका और एंटी क्लॉक वाइज लग रहा है तो पॉजिटिव ही ले रहे हैं, तो आर बी इज इक्वल टू देखा जाए तो माइनस का एम बाई थ्री है। रिएक्शन एट बी दिस इज डाउनवर्ड, दिस इज डाउनवर्ड, माइनस का एम बाई थ्री ये हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का एम बाई थ्री। तो ध्यान रखो जरा शियर फोर्स कैसा आएगा, शियर फोर्स बताओ जरा कितने लोग बता पाएंगे, जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि जहां रिएक्शन आ गई वहां तो शियर फोर्स जीरो हो ही नहीं सकता है, ये मैं पहले ही बता दूं आपको, जहां रिएक्शन आ गई इसका मतलब शियर फोर्स तो होगा ही नहीं। तो आप खुद देखो ना, अब आपको देखो आर ए और आर बी मिल चुके हैं, आर ए का वैल्यू मिला आपको एम बाई थ्री और आर बी का वैल्यू मिल गया एम बाई थ्री, मतलब कि कहने का मतलब इसको मैं रब कर दे रहा हूँ एक बार, देखो जरा देखो दो चीजें हो गई हैं, ये रिएक्शन जो मिली आपको पॉजिटिव में मिली m बाई थ्री, ये डाउनवर्ड मिली आपको ये माइनस का m बाई थ्री। तो आप कुछ भी देखो, देखो ना आप देखो यहाँ पर अपवर्ड माइनस m बाई थ्री से आपका क्या हो जाएगा, अपवर्ड जाएगा, ये कांस्टेंट चलेगा आपका c पॉइंट पर, उसके बाद m से आपका लग रहा है क्या लग रहा है क्लॉक वाइज, फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है, कॉन्स्टेंट चल रहा है, कॉन्स्टेंट चलेगा ये, और उसके बाद जो है डाउनवर्ड जाएगा ये m बाई थ्री से, तो ये आपका क्या हो रहा है, इस तरह से बनेगा इसका रेक्टेंगल, समझे कि नहीं बने हो। तो इस चीज़ को करना है जरा ध्यान से, तो m बाई थ्री का शियर फोर्स है भाई, गलती नहीं करना है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम अकर्स एट द जीरो, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देखिएगा, अगर आप सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करते हैं तो सिंपली सपोर्टेड बीम का, अगर आप कल के सोम के लेक्चर में थे तो वहां पर मैं इन चीज़ों को डिस्कस किया था, तो जहाँ पर आपका डिफ्लेक्शन आता है मैक्सिमम, ये देखो जहाँ पर डिफ्लेक्शन आपका मैक्सिमम है, रही ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पर स्लोप का वैल्यू जीरो है, तो जीरो स्लोप लोकेशन पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। फटाफट से क्लास को शेयर भी करें, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द मेंबर सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल स्ट्रेस। तो बोलिएगा टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो निकालते हैं हम एफ स्क्वायर अपॉन टू ई से निकालते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बार, ये हो जाएगा आपका 50वां क्वेश्चन जो था, एफ स्क्वायर अपॉन टू ई दिस इज इक्वल टू
इंटू वॉल्यूम ऑफ बार। तो ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं इसका आपको बताना है स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम आपको बनाना है। बनाओ जरा देखो, मतलब कि ये स्ट्रेस डायग्राम एक्चुअली में, दिस इज द स्ट्रेस वेरिएशन, ये किसका स्ट्रेस वेरिएशन है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जरा बताओ किसका स्ट्रेस वेरिएशन है, इसका तो है नहीं है, इसका भी है नहीं है, इसका तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसका तो ऐसा बनता है बिल्कुल ही। तो ये आपका क्रॉस का है, ए का जो है आपका फर्स्ट का, ए ए का ही आपका जो है फर्स्ट जो ऑप्शन ए हुआ इसी का जो है ये क्रॉस सेक्शन, ये स्ट्रेस वेरिएशन है। वैसे भी आप जानते हैं होता क्या है, बताओ जरा फॉर्मूला जानते हो आप, बी ए वाई बार अपॉन आई बी, ये होता है आपका शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला, ठीक है ना। ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद रखने होते हैं हमेशा के लिए। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, 51 का एक आपने सही कर दिया। एज अ नेचुरल मटीरियल टिम्बर इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जो टिम्बर होता है ना लकड़ी, लकड़ी आप समझते हैं लकड़ी, तो टिम्बर आपका कौन सा का एग्जाम्पल, आइसोट्रॉपिक का, एनआइसोट्रॉपिक का, होमोजीनियस का या हेटरोजीनियस का। आप जानते हो कि जो टिम्बर का लॉग होता है, मैं कई बार आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि टिम्बर का लॉग अगर आप देखें तो अगर आप वाई एक्सिस के अबाउट देखें तो इसकी स्ट्रेंथ होती है ज़्यादा, मतलब कि पैरेलल टू ग्रेन अगर आप देखें, ग्रेन जो कोशिकाएं हैं आप किसी डायरेक्शन में वाई एक्सिस में, इसमें स्ट्रेंथ होती है ज़्यादा, जबकि अगर आप एक्स एक्सिस में बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ होती है कम। आप देखते होंगे जब भी पेड़ कोई काटता है लकड़हारा तो वो एक्स डायरेक्शन में ही पेड़ को काटता है क्योंकि उसको पता है इसकी स्ट्रेंथ कम है एक्स डायरेक्शन में, ये जल्दी से कट जाएगा। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि वाई डायरेक्शन में अलग प्रॉपर्टी और एक्स डायरेक्शन में अलग प्रॉपर्टी। आप जानते हैं अलग डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी, इसी को बोला जाता है एन आइसोट्रॉपिक। और आइसोट्रॉपिक किसको बोला जाता है, आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। तो ऐसा तो है नहीं, आइसोट्रॉपिक तो मिला ही नहीं, थ्रू आउट द वॉल्यूम सेम प्रॉपर्टी सेम, तो ये होमोजीनियस, तो ये दोनों चीज़ें नहीं हुई अभी आपकी। तो आपका ऑप्शन जो हो जाना चाहिए बी ऑप्शन जो है सही होना चाहिए। आईएस कोड क्लासिफाइड कर रहा है आपका कौन सा, जब हम बात करते हैं सीजनिंग पर्पज के लिए, तो जरा बताओ कितने लोगों को सीजनिंग पर्पज का कोड पता है। क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो देखो भाई इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सिविल इंजीनियरिंग के करते हैं और ये बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, ये सब आपके रैपिड फायर क्वेश्चन है, इजी लेवल के क्वेश्चन है ना, जिससे कि आपका एक तरह से प्रैक्टिस जो है अच्छी हो जाए, इसलिए मैं आपको आज कराया हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग सभी लोग क्लास में जो है जरूर रहें, शेयर भी करते रहें क्लास को, है चलो कितना हो जाएगा सीजनिंग पर्पज के लिए विद्यार्थियों आपका हो जाता है कोड, ये हो जाता है नहीं जी बी नहीं 1141 1958, ये हो जाता है 1141, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन आप ध्यान रखना सीजनिंग पर्पज के लिए, ठीक है चलें आगे। चलो जी ये हो गया, इस फिगर को देखते हुए इसको निहारते हुए आप इसका जवाब करेंगे कि ये क्या चीज है। चार ऑप्शन दिए हैं, क्वीन क्लोजर है, किंग क्लोजर है, या आपका मीटर्ड क्लोजर है, या वेबर्ड क्लोजर है। तो आप जवाब करें जरा बढ़िया से, बताओ जरा क्या हो जाएगा ये। में ए है, क्वीन क्लोजर है ये, है किसने कहा क्वीन क्लोजर है, क्वीन क्लोजर किंग क्लोजर, इतने जल्दी भूल जाते हैं आप जी, माया जी गलती, अजीत यादव गलती। क्वीन क्लोजर और किंग क्लोजर दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्वीन क्लोजर का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको, ये ब्रिक है, ये ब्रिक है, ठीक। क्वीन क्लोजर जो वो लोग क्वीन क्लोजर आंसर कर रहे हैं 54 का ए ऑप्शन कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। देखो ये जो वृत्त के आपके सेंटर में काटोगे, वृत्त के सेंटर में काटोगे, ये वृत्त है ना, ऐसे नहीं, ये वृत्त है, ये डेप्थ है और ये लेंथ है, ठीक है ना। अब वृत्त के सेंटर में काटोगे, देखना ध्यान से, वृत्त के सेंटर में काटोगे यहाँ पर, एक सेकेंड, वृत्त के सेंटर में काटोगे यहाँ पर और लेंथ के सेंटर में काटोगे, लेंथ के सेंटर में काटोगे और ये पार्ट को हटा दो, इस वाले पार्ट को, इसको भगा दो ये वाला पार्ट, तो ये जो रेस्ट पार्ट बचता है, जैसे कि आप देख रहे हैं जो रेस्ट पार्ट बचता है इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है किंग क्लोजर। और यही यहाँ पर भी हुआ है, देखो
लेंथ के हाफ से काटा और विड्थ के हाफ से काटा, और ये जो रेस्ट पार्ट है इसको भगा दिया, रेस्ट पार्ट जो बचा रेजिड्यू, तो ये आपका हुआ किंग क्लोजर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जी क्या है, ये किंग क्लोजर है ना कि क्वीन क्लोजर है, दिस द किंग क्लोजर, इतनी जल्दी भूल जाओगे। अब आते हैं कि सर क्वीन क्लोजर क्या होता है। क्वीन क्लोजर का मतलब है, देखो क्योंकि आपने गलती करी है, मुझे उम्मीद नहीं थी आप इसमें गलती करोगे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है बीएमसी का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। ये देखो अब बताओ, यहाँ पर हम बात करते हैं, आप किसका अब बात करते हैं, हम क्वीन क्वीन क्लोजर का। तो विड्थ के हाफ से ये काटो, लो जी इतना काट दो आप, इतना पार्ट काट दो इसको, मतलब इतना पार्ट इसमें काट दो, इसके विड्थ के हाफ से इतना पार्ट इसको काट के भगा दो, इतना पार्ट इसके काट के भगा दो। तो कुल मिला के आपका ये 9 का साइज होता है, ये भी विड्थ 9 का होता है, 9 सेंटीमीटर, और लेंथ होता है आपका 19 सेंटीमीटर। तो अभी मैं आपसे क्वीन क्लोजर का साइज बोलूँ तो कितना बचेगा, तो साइज में आपका बचेगा 19 में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, लेंथ आपका सेम रहेगा, छेड़छाड़ भी है विड्थ में क्योंकि इतना पार्ट ही बचेगा ये हाफ, 9 का हाफ होता है 4.5, और डेप्थ में भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो ये क्वीन क्लोजर का, क्वीन क्लोजर का अगर साइज कभी पूछा जाए आपसे, ये हो जाएगा 19 × 4.5 × 9, ये होगा क्या, आज के बाद गलती ना करें, समझ गए क्या बात करते हैं। अभी तो आपका बी ऑप्शन जो है कम्प्लीटली सही हो गया। चलो ये बताओ ये क्या चीज़ है, मीटर्ड क्लोजर है, थ्री क्वार्टर क्लोनोज को बैट है, या बुलनोज है, या आपका क्वीन क्लोजर है, जरा बताओ क्या नाम देते हैं इसको। शायद आपने फिगर देखा हो कभी कंस्ट्रक्शन टाइम पर, नहीं भी देखा कोई बात नहीं। मीटर क्लोजर, थ्री क्वार्टर बैट, बुलनोज एंड क्वीन क्लोजर, तो क्या बोलोगे इसमें। देखो इसमें हुआ क्या, एक्चुअली में जो लेंथ है, ये लेंथ है ब्रिक का, ये तो लेंथ के अगर आप देखें, लेंथ से 45 डिग्री से 60 डिग्री 45 to 60 डिग्री इसको इंक्लाइंड करके इतना एंगल लेके, और उसके बाद ये पार्ट है, इस पार्ट को कट कर दिया गया है, इसको रिमूव कर दिया गया है, और जो रेस्ट पार्ट है उस पार्ट को पूछ रहा है कि इसको क्या बोला जाता है, जो रेस्ट पार्ट है उस पार्ट को बोला जा रहा है कि उसको क्या बोला जाता है, तो जरा बताओ उस पार्ट को बोला जाता है मीटर क्लोजर, तो ध्यान रखना है मीटर क्लोजर। बुलनोज नहीं बोला जाता है, इसको मीटर क्लोजर बोला जाता है। चलो द ब्रिक लेड विद इट्स ब्रिथ पैरेलल टू द फेस ऑफ द वॉल इज नोन एज, क्या बोला जाता है इसको जरा बताओ। द ब्रिक लेड विद इट्स ब्रिथ पैरेलल टू दी फेस ऑफ द वॉल, देखो दीवार का फेस ये है माना, तो इस पर आपका जो ब्रिक रखा जाता है, ऐसे रखे जाते हैं ना ब्रिक, ऐसे रखे जाते हैं, तो पैरेलल कौन सा फेस हो रहा है, वॉल के पैरेलल कौन सा फेस हो रहा है, हेडर वाला या स्ट्रक्चर वाला। मैं ब्रिक का आपको दिखा देता हूँ, इस फिगर को देखें आप ध्यानपूर्वक, इसमें तीन फेज आपको दिखा रहा हूँ, एक आपको हेडर हो गया, एक आपका स्ट्रक्चर हो गया, और एक आपका फ्रॉग हो गया, तीन पार्ट आपको दिख रहे हैं, साफ साफ देखो ध्यानपूर्वक। इस पार्ट को बोला जाता है एस स्ट्रेचर, और इस पार्ट को बोला जाता है हेडर एच, और ये वाला पार्ट हो गया आपका फ्रॉग, जिसमें हम क्या करते हैं मोटार को भरते हैं, जब आप कभी भी मेसनरी स्टार्ट करते हैं चिनाई, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं एक ब्रिक दूसरा ब्रिक तीसरा ब्रिक, जब बॉन्ड बनाते हैं तो इसके ऊपर यहाँ पर मोटार को भरा जाता है, सैंड बजरी सीमेंट विद वाटर, ठीक है ना, इसके आपका एक की ज्वाइंट बन पाए, इसके ऊपर जो ब्रिक मिक्स करोगे तो वो कम से कम एक अटैचिंग हो पाए और एक इंटरलॉकिंग दे पाए, और ज्वाइंट आपका मजबूत हो, यही काम होता है फ्रॉग का। चलो तो फाइनली आप समझ गए कि अगर आप ये वॉल है और वॉल के अगर आप देख रहे हैं पैरेलली, तो कौन सा फेस है, ये आपने ब्रिक लगाई माना, तो पैरेलली कौन सा फेस होगा, देखो ना ब्रिक का पैरेलली, तो ये आपका हेडर वाला पार्ट होगा कि नहीं होगा, देखो यही पूछ रहा था, क्लोजर नहीं होगा जी, हेडर होगा, हेडर, ठीक है ना, हाँ चलो ये हो जाएगा आपका हेडर। आगे बढ़ें, आज के बाद गलती नहीं करोगे, बोलो ठीक है, क्लियर है यहां तक, कैसे हमने किया काम। नेक्स्ट है वेज शेप यूनिट एट द क्राउन ऑफ एन आर्च, उस जो आप आर्च को सभी लोग समझते हैं 2 इंच आर्च 3 इंच आर्च, तो आर्च का जो क्राउन होता है उसमें वेज शेप जो एक होता है उसको क्या बोला जाता है,
जरा बताओ, ये देखो इस फिगर को देखें आप, तो ये आर्च का फिगर है, आप साफ साफ देख रहे हैं। इस आर्च के क्राउन पर देख रहे हैं आप वेज शेप, ये जो दिख रहा है आपको, इसको क्या बोला जाता है, जरा देखो, जरा लिखा भी है मैंने, अब तो पढ़ना तो आपको आता ही है। इसको बोला जाता है की स्टोन, क्या बोला जाता है इसको, की स्टोन, के ई वाई वाला, ठीक है ना। अब देखो जी, अजीत यादव जी किसने बोला हेडर, अच्छा पहले वाले का आंसर कर रहे हैं आप, चलो कोई नहीं। लविंगली सर, विशाल मौर्य जी, गुड मॉर्निंग जी, अब तो नहीं करोगे गलती जीवन में, नहीं करेंगे सर। क्या बोला जाता है इसको, की स्टोन उसको बुलाता है, तो आपका सी ऑप्शन जो है कम्प्लीटली सही रहना चाहिए, अब नहीं करेंगे गलती। चलो, अ सीरीज ऑफ स्टॉप विदाउट एनी प्लेटफॉर्म ब्रेकिंग ब्रेक और लैंडिंग इन दियर डायरेक्शन इज कॉल्ड, इस फिगर को देखो और आपको आंसर मिल जाएगा, इस फिगर को देखो आराम से आंसर मिल जाएगा। सीढ़ी दिख रही है आपको, ठीक है ना, आपको स्टेप पता है क्या, स्टेप क्या होता है, देखिएगा, सीरीज सीरीज ऑफ द स्टेप विद बिटवीन द टू लैंडिंग, दिस इज द फ्लाइट, ये क्या होता है, फ्लाइट होता है, मेरा सही है, हाँ आपका सही है, आपने सही किया है। अब इधर देखो, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर देखोगा स्टेप का डेफिनेशन मैं आपसे पूछूँ, तो स्टेप का मतलब होता है, स्टेप का जो अरेंजमेंट है दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक राइज हो गया, इसको बोला जाता है राइज आर, और ये होता है ट्रेड, राइज और ट्रेड से मिलकर एक स्टेप तैयार होता है। अब नंबर ऑफ स्टेप बिटवीन द टू लैंडिंग, उसी को बोला जाता है फ्लाइट, मतलब कि एक लैंडिंग जो रिलैक्सेशन के लिए दिया आपने दूसरी सीढ़ी पर चढ़ने के लिए, और यहाँ भी लैंडिंग, तो इनके बीच में जो सीरीज ऑफ स्टेप, इसको फ्लाइट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फ्लाइट बोला जाता है। यही इसने डेफिनेशन में लिखा है, स्टेटमेंट में लिखा है, आप पढ़ें जरा इसको बढ़िया से, सीरीज ऑफ स्टेप विदाउट एनी प्लेटफॉर्म ब्रेक और लैंडिंग इन दियर डायरेक्शन दिस इज कॉल्ड व्हाट, बोल रहे रविशंकर सर हिंदी में बताइए, हिंदी में मैं पूरा समझा तो रहा हूँ, बस इंग्लिश में लिखा है, समझा तो मैं हिंदी में रहा हूँ। मैंने क्या बोला है कि जो स्टेप है, सीरीज ऑफ स्टेप विदाउट एनी प्लेटफॉर्म ब्रेक और लैंडिंग इज दियर डायरेक्शन, देखो स्पीकर को देखो, मुझे नहीं लगता कि हिंदी इंग्लिश की कोई बात आनी चाहिए फिगर को देख के, सीढ़ी है जी, है ना, सीढ़ी है, तो सीरीज ऑफ स्टेप, इनका सीरीज जो है स्टेप्स का लैंडिंग के बीच में, स्टम्प्स को क्या बोला जाता है, फ्लाइट बोला जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए थी, क्या बोला जाता है इसमें, सर ये थंबनेल में इंजीनियर, चलिए यार गलती हो गई, मैं सही करवा दूंगा, ठीक है ना, दिल तो बच्चा है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको करेक्ट कराने के लिए, ठीक है ना, सुबह भी एक बच्चे ने बता दिया था, वो गलती हो जाता है यार, कब जो हमारे टीम होता है कंप्यूटर टीम, क्या पता लिखने में गलती हो जल्दीबाजी में, है ना, हो सकता है गलती किसी से भी हो सकता है, भगवान थोड़ी है। चलो आगे बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नोन एज द लोअर एज ऑफ एन इंक्लाइंड रूफ सरफेस, रिज पर्लिन इप्स, देखिएगा एक्चुअली में इंक्लाइंड रूफ सरफेस, इस फिगर को देखें आपको साफ साफ समझ आएगा, ये आपको जो मैंने कोना लेके देखा है, किसी छत का कोना है, इस फिगर में देखें, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये क्या पूछ रहा था। इस सरफेस को देखें आप, ये सरफेस आपको क्या दिख रहा है, एक छत का सरफेस है, ये वाला पार्ट आपका ये जो है वर्टिकल पार्ट, अब ये वाला जो पार्ट है ये, इसकी बात कर रहा था ये जो आपका इंक्लाइंड पार्ट है ना ये, इसको क्या बोला जाता है, ये बोला गया था, आप देखें, अब इधर देखो, जरा देखो इधर बोला गया है, विच इज नोन एज द लोअर एज ऑफ एन इंक्लाइंड रूफ सरफेस, इंक्लाइंड रूफ सरफेस का मतलब इसकी बात कर रहा है क्या, ये ईव्स की बात कर रहा है क्या, इसको क्या बोला जाता है, ईव्स, इंक्लाइंड रूफ सरफेस का जो स्लोपी एरिया में, बस स्लोपी छत में, स्लोप जो छत होती है आपकी स्लैब, उसी में रखा जाता है ये, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही हो जाएगा विद्यार्थी, क्या बोला जाता है इसको, ईप्स बोला जाता है। चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे, टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द शटर, टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द शटर, बताओ जरा हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ शटर, देखिएगा जब हम शटर की बात करते हैं ये दरवाजे पर आ चुका है, शटर का सबसे टॉप मोस्ट जो मेंबर होता है ये टॉप रेल होता है या हेड होता है, बताओ जरा, यहाँ पर शटर की बात हुई है तो ध्यान रखना, यहाँ पर अगर आपसे यहाँ पर चौखट की बात करता, फ्रेम की बात करता, तो तब आप बोलते ये होता हेड, हाँ इलेक्ट्रिक में
इलेक्ट्रिक में आईटीआई किए हैं सर, हम आईटीआई किए हैं सर, तो हम सिविल इंजीनियरिंग का क्लास चला रहे हैं, आपके लिए कोई फायदा नहीं होने वाला इस क्लास में किसी भी तरह का। टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द शटर, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका टॉप रेल, ना कि हेड, ठीक है ना, ध्यान रखना है चीज को। हेड नहीं होगा, हेड आपका चौखट का होता है, क्या होता है, चौखट की जब बात करता हूँ मैं तो चौखट में होता है हेड, लेकिन शटर में ये पहुंच चुका है, शटर दरवाजा, तो शटर में टॉप रेल होता है एक्चुअली में, टॉप मोस्ट फायर, लेकिन हेड नहीं करोगे आप। डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए था। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये बताओ इस ब्रिक को देखकर कैसा फील हो रहा है। ये आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद हम यहीं पर स्लॉट को समाप्त करेंगे। सभी लोग शेयर करते रहें क्लास को, भाई क्लास में जो है टाइम पर जो है सभी लोग जो है आ जाएं, बढ़िया रहेगा आपके लिए। इतनी मेहनत करके हम क्वेश्चन बनाते हैं, सर्च करते हैं, बनाते हैं, ढूंढते हैं, ठीक है ना, कभी तो जो है गलती से कभी अप्रिशिएट कर दिया करो। पेविंग ब्रिक, कॉनोज ब्रिक, बुलनोज ब्रिक, तो यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, ये जो आप सरफेस देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, तो इसको क्या बोला जाता है, इस फिगर को देखें ध्यान पूर्वक, तो इसको बुलाता है डियर स्टूडेंट बुलनोज ब्रिक, इसको बोला जाता है, तो सी ऑप्शन, क्या बोला जाता है इसको, बुलनोज ब्रिक। इस फिगर को देख के आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टाइप का ब्रिक इसको बोला जाता है, दिस इज व्हाट, दिस इज बुलनोज ब्रिक, ओके, बुलनोज ब्रिक इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज का तो हमारा प्रैक्टिस सेट जो था मिक्स प्रैक्टिस सेट था, ठीक है ना, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट था मिक्स प्रैक्टिस सेट था, मतलब कि हमने यहाँ पर आज सभी क्वेश्चन किए, सभी सब्जेक्ट के लगभग, खासकर ज़्यादातर क्वेश्चन हमने बीएमसी का किया, ठीक है ना, बीएम बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन का ज़्यादा क्वेश्चन किया। तो इसी तरह से मैं आपसे आपके लिए मिक्स प्रैक्टिस भी लाते रहूँगा, शाम का क्लास मेरा सोम का चल रहा है चैप्टर वाइज स्पेशली, ठीक है ना, उसको भी करते रहेंगे, ठीक है, क्लास में बने रहें आप सभी लोग, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। और डिप्लोमा वाले जो विद्यार्थी हैं, डिग्री वाले जो विद्यार्थी हैं, दोनों के लिए जो है अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं अपना बढ़िया से, तो एसएससी जेई के लिए जो सेपरेटली कोर्स पढ़ना चाहता है, तो एसएससी जो जेई का कोर्स हमारे ऐप पर एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, एसएससी जेई 2021, जिसमें कि अभी लाइव क्लास चल रही है, ठीक है, या टेस्ट सीरीज किसी को लेना, तो सारी चीज़ों की जानकारी आप जो हेल्पलाइन नंबर है वीडियो के नीचे हमारे लेक्चर के नीचे उन पर बात करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू लॉट ऑल ऑफ यू।